उस्मानी थप्पड़ उस्मानिया सल्तनत का एक ऐसा हथियार था जिसकी मदद से तुर्कों ने बड़ी बड़ी जंगों में फतह नसीब की थी। उस्मानी थप्पड़ एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें हाथ को बिना मोड़े सीधा करके मारा जाता था, जिसमें या तो गर्दन चटक जाती थी या सीधा खोपड़ी टूट जाती थी। उस्मानी सिपाही अपने इस हथियार को और मजबूत करने के लिए अपने हाथ पर तेल लगाकर संगमरमर के पत्थर पर घंटों मेहनत करते थे। उस्मानी थप्पड़ कितना ताकतवर था इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब सुल्तान महमद फतेह ने कुस्तुनतुनिया को जीता था तब वहाँ हथियार कम पड़ गए थे। तब सुल्तान महमद फतेह ने अपने सिपाहियों को उस्मानी थप्पड़ चलाने का हुक्म दिया था और इसी के वजह से सुल्तान महमद फतेह ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था।